हरे माधव दयाल की दया। प्यारी सात संगत जियों, सतगुरु चरणों में सच्ची अरदास वही है जो सच्चे भाव से आत्म की गहराइयों से की गई हो, वह सतगुरु चरणों में अवश्य कबूल होती है। इस वास्ते आइए सर्वप्रथम हम सभी हरि राया सतगुरु के पावन श्री चरणों में आत्म की गहराइयों से अनंत अमृत बल से भरी हरे माधव वाणी अरदास करें जी। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए, सारी संगत तेरे हवाले,
जी, हरि माधव पुरख दयाल से सदा पूर्ण समर्पण, पूर्ण भाव, पूर्ण भरोसे की दात मांगे। जब जीव पूर्ण सद्गुरु संगति में आकर सद्गुरु दर्शन, सत्संग के अमृत वचनों का श्रवण, नाम का अभ्यास एवं निष्काम सेवा करता है, तो वह अपने साथ साथ सारे कुल का भी उद्धार कर लेता है। इस वास्ते आइए सात संगत जी, सभी दुनियावी सहारों को छोड़ केवल और केवल अपने हरिराया सदगुरु के वचनों का सहारा लेकर जीवन को आनंदमय करें जी। हरिराया सतगुरु के पावन श्री चरणों में बैठी हुई परम सौभाग्यशाली सात संगतियों, हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। वाणी संत कबीर जी। सुरते करो मेरी साईया, हम है भव जली माही, आपे ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो
हरिराया सतगुरु जी के श्री चरणों में बैठे प्यारे सत्संग स्नेही जनों, आप सभी को हरे माधव हरे माधव। सत्संग की यह वाणी गुरु भगत की पुकार है। प्रकट प्रभु के रूप वक्त के सतगुरु जो इस भक्ति मार्ग में दया प्रेम सिमरन ध्यान सेवा सत्संग एवं अथाह करुणा के पुंज हैं, वह गुरुमुख भगत परम दयालु करुणावान विरद्वान प्यारे सतगुरु के आगे विनती कर रहा है। यह विरह प्रेम पुकार से भरी संत कबीर जी की वाणियां हैं, जो कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले आए और पूरे गुरु के द्वारा बक्षे पावन नाम और उनके द्वारा बक्षे अंतर्मुखी परम सत्य की राह दिखाई एवं रूढ़िवादी मान्यताओं का कड़ा विरोध भी किया। जीवों को तिमिर अज्ञान माया की नींद से जगा, बाहर मुखी कर्म कांडों पाखंड एवं कुरूतियों को दूर किया। प्रथम में सतगुरु भक्ति उनकी शरण का प्रेमी बन साहिब में एक होने का मार्ग प्रशस्त किया। साध संगत जी, जब जब पूर्ण संत धरा पे आते हैं, समता के सूर्य का उदय होता है। गुरु भगत इंसान धर्म मुस्कुराता है। इंसान इंसान से प्रेम कर पाक नेक आत्माएं प्रेमा भक्ति के सागर में सतगुरु के अमृतसर में नित्य नहा उठती हैं। उनका मत भी यही कि जीव अंतर्मुखी आंतरिक उन्नति करे। घृणा ईर्ष्या द्वेष के स्थान पर सहनशीलता बढ़े। शक संदेह के स्थान पर श्रद्धा सतगुरु प्रभु की नाम बंदगी बढ़े। पूर्ण सतगुरु न तो दार्शनिक होते हैं न उपदेशक न विद्वान न पंडित। पूर्ण सतगुरु इस धरा पर प्रभु के हुकुम से आते हैं। वे केवल हरि प्रभु के जन गुरुमुख जन होते हैं और हमें भी गुरुमुख प्रेमी भगत बनने का मार्ग दिखाते हैं और अपने अंतर में ही परम एकस का अनुभव करने की युक्ति बख्शते हैं। अंतर के द्वार खोलने का वह मार्ग दिखाते हैं। साध संगत जी, यह मन और आत्मा बाहर मुखी जगत में गहरी उलझी और बंधी है। मन के साथ आत्मा स्थूल पिंजरे में कैद है। आत्मा अपने निज मुकाम निज घर से महरूम है। यह रूह सूरत जो जन्मों जन्मों से इस धरा जगत में माया जाल में उलझ निर्बल हो गई है, समर्थ सतगुरु ही निर्बल रूहों को बल देने आते थे आते हैं और आए हैं। प्यारे गुरु भगत आत्म सतगुरु के आगे पावन हुजूरी में विनती कर रहे हैं, जो बड़े गहरे प्रीतवंत घाव से विरह दर्द विछोड़े से भरी है, उसे अपने साहिब के घर में एक होना है। सतगुरु प्रेम सतगुरु चरणों सतगुरु की पनाह उनकी मेहर के साय में अपनी अभोज अवस्था में आत्म सूरत दयाल सतगुरु अकह प्रभु के जो प्रकट रूप हैं, उनके प्रकट जोहर रूप हैं, उनसे विनती कर रही है। सूरत करो मेरे साईया, हम हैं बहुजल माही, आपे ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाहें। विनमंत हो कर जोड़ के सुनिए कृपा निधान,
साध संगत सुख दीजिए, दया गरीबी दान, दया गरीबी दान। गुरु भगत की आत्म सुरत विनय कर रही है, मेरे साईया मेहरबान, इस भव जाल में अगर तुम्हारा मेहर वाला हाथ न मिला तो हम अपने आप ही बह जाएंगे, क्योंकि आपे का भाव यानी अहंकार, आपा मैं का भाव, हम इसमें जन्मों से बह रहे हैं। ऐ मेरे साईया मेरे मालिक, हम तो बहते ही जा रहे हैं और बह रहे हैं। ऐ साईया अपना मेहर वाला हाथ, मीठी शरण संगत बख्शो। हे दयालु दातार मुझ पर कृपा करो। सुरत आत्म की विनय सुन सतगुरु कहते हैं, ऐ सुरत तुम प्रेम बंदगी, शब्द नाम की बंदगी, हरिराया सतगुरु की याद से भर जाओ। जैसे जैसे तुम सतगुरु प्रभु के नाम सिमरन से भरोगे और मन के तपत भरे विचार त्यागोगे तो उसकी छाया गहरी होती जाएगी, आपा अहम का भाव बहता जाएगा, क्योंकि दोनों साथ नहीं रह सकते। जिस तरह की एक म्यान में दो तलवारें साथ नहीं हो सकती, यह रूहानी राह भक्ति की राह बारीक और सकरी है, इसमें दो साथ नहीं चल सकते। ऐ सुरत अहम को मिटाना होगा, गलाना होगा और प्रेम को बिठाना होगा, यानी जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाही। सदगुरु साई नारायण शाह साहेब जी ने भी सिंधी में परम वचन कहे, सिर डिजे साजन मिले त पूरो सिर कया इख्तियार, सिर डिजे साजन मिले त पूरो सिर कया इख्तियार। ऐ प्यारों अगर रब्बल में मिलना है तो खुद ही स्व को त्यागना होगा और तुम्हें सतगुरु की राह में बहना होगा, तब तुम्हें ऐ सुरत रब्बल साहिब का अपने अंतर ही अनुभव होगा, क्योंकि सुरत सदी है एक बड़े भारी हाट से, यानी अहंकार खुदी का हाट, अब वह कैसे मिटे। शिष्य अपने सतगुरु प्रभु से विनय अर्ज कर रहा है, मेरे गुरु महाराज मैं तुम्हारी बंदगी सिमरन प्रेम में रंगने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या यह काफी नहीं भगवन, मैं इस भारी भव सागर को अकेले पार कर सकूं, इतना मेरा बल सामर्थ्य नहीं है। गुरुवर मैं तो डूब ही जाऊंगा, क्योंकि डूबने की आदत जन्मों से पड़ी है, क्योंकि मेरी पूजा बंदगी सेवा चाकरी या मेरा त्याग साधना पूरी भी नहीं और पर्याप्त भी नहीं, कहाँ पर्याप्त है, पुकार कर रहे हैं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह केवल अंधेरे में ढूंढने जैसा ही है, अब मेरे प्यारल का द्वार कब खुलेगा यह भी तो पक्का नहीं है, मैं तो द्वार को खोल ही नहीं पाऊंगा, कैसे खुलेगा यह द्वार। ऐ मेरे सच्चे मालिक मैं तो अंधा अंधेरे में ही विनती कर रहा हूँ, विनवंत हूँ कर जोड़ के, सुनिए कृपा निधान, साध संगत सुख दीजिए, दया गरीबी दान। मैं अंधा अंधेरे में बेबस बड़ा ही लाचार हूँ, तेरी मेहर का कतरा चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी तो तेरे बाग का एक फूल ही हूँ, परम प्रभु का अंश विराट सागर की एक बूंद हूँ, मैं सब ओर से परेशान बेचैन हताश हो पुकारता हूँ तुम्हें, कृपा निधान मेरे पुकार ऐ मालिक तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगी, मुझे न तो तुम्हारा अता है न पता है और न ही तेरा ठिकाना मालूम है, यहाँ तो बस खता ही है मेरी, तुम हो कहाँ मेरे मालिक, मुझे तो मालूम ही नहीं है, मैं पुकारता हूँ मेरी पुकार में कहीं न कहीं संदेह मद भी छिपा है, ऐ भगवान मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो तेरी याद में पूरी तरह भीगा खोया ही नहीं हूँ, मेरी सूरत भी अंधली है पूरी कहाँ है, मेरी सूरत खंड खंड के विचारों में बह रही है, ऐ सचखंड के शाह मेहरबान दया कर,
इस संसार सागर में रहकर कभी तुझे याद कर लेता हूँ और फिर भूल भी जल्दी जाता हूँ। मेहर कर मेरी अर्ज विनय स्वीकार कर, सुरत करो मेरे साईया, हम हैं भवजल माही, आपे ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाहें। ऐ मेरे साईया, तुम्हें यानी आप जी को मेरी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो हर पल बहे जा रहे हैं, मन का सागर इंद्रियों के विचार बहाते ही जा रहे हैं, बहाते ही जा रहे हैं। हम चाह कर भी तेरा सिमरन, तेरा ध्यान, तेरी याद, तेरे पावन चरणों में सच्चा प्रेम स्मरण ही नहीं बैठा पा रहे। तुम्हें ही याद करनी पड़ेगी, तुम्हें ही हमारी सुध करनी है। मैं तो चल रहा हूँ इस राह में, मुझे पता ही नहीं कि जिस राह दिशा में मैं दौड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ, यह मेरी दिशा या राह कहाँ जाएगी, इसकी मंजिल किधर है। मैं तो बस तुम्हें याद करता, पुकार कर, सिमरन करता चल रहा हूँ। मुझे पता भी तो नहीं है कि मैं जिस राह में चल रहा हूँ वह तुम्हारे घर मुकाम की ओर जा रही है कि नहीं। ऐ मालिक, मुझे अकेले से न हो सकेगा, क्योंकि मैं निर्बल जीव हूँ। हम भव जंजाल, भव जाल में फंसे पड़े हैं, भारी उलझन है, भव जाल भारी एवं बहुत बड़ा है। संसार का जाल अति सूक्ष्म गहरा है, किनारा दिखाई नहीं पड़ता। ऐ मेरे भगवान, इस कलिकाल में माया का बड़ा जोर है, इस मायावी सागर में ऐ प्यारल, मेरा डूबना ज्यादा निश्चित मालूम पड़ता है। उबरने के लिए आपकी दया मेहर करुणा ही चाहिए, उसी से ही हमारी सुरती की नाव किनारे पर पहुंचेगी। हम जीव तो संसार सागर में उलझे हैं, समर्थता कहाँ है हमारी, हम निर्बल जीव हैं, हमारी पात्रता कहाँ है और कितनी पात्रता है यह भी पता नहीं। हमारी तो नाव कागज के जैसी है और इसी कागज की नाव का हमें मद चढ़ा है। हमारे सारे अपराध भारी भूलें इसी नाव पर होंगे और उस नाव में सारे छिद्र हमारी इन्हीं भूलों अपराधों के कारण होंगे, क्योंकि हमारी नाव की पात्रता छोटी है, हमारी नाव की पात्रता छोटी है, इसलिए पुकार कर रहे हैं, सुनो हमारी अर्ज है गरीबन वाज, हमें साध संगत का सुख बख्शें, हमें साध संगत का सुख बख्शें। विनवंत हो कर जोड़ के सुनिए कृपा निधान, साध संगत सुख दीजिए दया गरीबी दान। मैं अपराधी जन्म का नकसिक भरा विकार, तुम दाता दुख वंजना मेरी करो संभार। जो अब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहना होए। ऐ कृपा निधान, हम तुम्हें पुकारते हैं, बुलाते हैं, क्या तुम तक हमारी आवाज पहुंचती है? हमें यह कैसे भरोसा हो, जब तक तुम्हारी आवाज हम तक न पहुंचे, हम तो फैला रहे हैं हाथ। हे दयावान, हमें साध संगत का सुख बख्शिए, अपने श्री चरणों में बुला लीजिए, दया गरीबी दान दीजिए, मुझे ऐसा सुख बख्शें, मुझे दीनता गरीबी बख्श और मुझे यह दान बख्श कि तेरे श्री चरणों में संगति का मैं अमृत पी सकूं। सच्चे पातशाह जियो, हम जन्मों जन्मों से मैले अपराधी हैं, विकारों से भरे हैं, तुझे बिसारना यह बड़ा भारी अपराध हुआ है हमसे। मैं अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकार, हे सतगुरु, मैं एक जन्म का अपराधी नहीं हूँ, जन्मों जन्मों का तेरा अपराधी हूँ। मन की मति पे चलकर मैंने केवल अपने अंदर मैले विकारों के कचरे इकट्ठे किए, हर पल हर क्षण मैं अपराध को कमाता हूँ, मैं विकारों के जहर से भरा हूँ। नख सिख भरा विकार, नख सिख भरा विकार, मैं तो जन्म जन्म का अपराधी ही हूँ, तेरी रहमतों मेहर से ही चल फिर रहा हूँ, देख सुन रहा हूँ,
तेरे दिए सांस लेता हूँ, सब कुछ तूने बख्शा है। दुनियावी सुख धन पद मान सब तेरा तेरा दिया ही खाता हूँ, पर तेरी बंदगी नहीं करता। जन्मों से मैला कुचला हूँ मैं, मैला हूँ तुम दयाल दुख भंजना, मेरी संभार करो तुम दाता हो। मैं भिखारी हूँ तुम नाम के दानी, न्यारे पुरख बख्शनहार महादानी हो। मैंने कोई सेवा कहाँ की है तुम्हारे श्री चरणों की, न ही कोई प्रेम बंदगी की न भक्ति की, न कोई बंदगी की राह मुझे पता है कि किस राह चलना है। तेरी संगति में मुझे कैसे रहना है यह भी नहीं जानता, मेरी संभार करो हे दातार। मुझे बस दीनता गरीबी का दान बख्श, ए सतगुरु दातार मेरी करो संभार, मेरी करो संभार। ए गुरु महाराज अर्ज सुन मेरी, मुझे अपनी शरण में बिठा, श्री चरणों में एक घड़ी तो बैठने दे। मैं अपना सब हाले दुख बयां करूं, जो अब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरी कहूं जो कहना होए। सच्चे पातशाह जी जब आप मुझे अपनी संगति में बिठाएंगे, श्री चरण कमलों में बिठाएंगे, तो मैं पहले इस मद भरे सिर को आपके पावन चरण कमलों में रख दूंगा। शीश धर चरणों में मद का त्याग करूंगा, अंतर के संकल्प विकल्प एक कर हाथ जोड़ दिल में प्रेम बिठा, आंखों से सतगुरु प्रेम की गंग बहाऊंगा अपने नैनों से। मैं सतगुरु आपके आगे सारे दुखों की बात कहूंगा, अपने सारे दिल के हाल सुनाऊंगा और तीनों संतापों के दुखों की निजातों की विनती भी करूंगा, क्योंकि मेरे किए से तो कुछ बनना नहीं है और आज तक बना भी नहीं। किसी का अगर बना है तो केवल सतगुरु जी आपकी दया मेहर एवं कृपा से ही बना है। फिर जो मुझे आप सच्चे सतगुरु मालिक से पार ब्रह्म में विलीन होने की मत मिलेगी उसे ही मैं कमाऊंगा, उसे ही मैं कमाऊंगा। सत्संग जी आगे सत्संग के प्यारे मधुर वचन, रूहानी रसीले वचन, शब्द बड़े प्रेम प्यार से श्रवण करें जी। जी आगे अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूं तो पिता को लाज, क्या मुख ले बिनती करूं लाज आवत है मोही। तुम देखत अवगुण करूं कैसे भाऊं तो ही, अवगुण किए तो बहु किए, करत न मानी हार, भावे बंदा बख्शिए, भावे गर्दन मार। साहिब तुम जन बिसरो, लाख लोग लग जाएं, हमसे तुम्हारे बहुत हैं, तुम सम हमरे नाहीं, हमसे तुम्हारे बहुत हैं, तुम सम हमरे नाहीं।
आत्मा का प्रभु में मिलाप व एक होने एवं अपना समूरा भाव सतगुरु हुजूर के समक्ष रख कर गुरु भगत कहते हैं, हमें बख्शो, हमने केवल अवगुण कमाए हैं। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। गुरु भगत केवल अपने अवगुणों की क्षमा चाहता है। सत्संग जी, बाकी सभी जो बाहर मुखी भक्ति करते हैं, वे अपने इष्ट से उसका फल मांगते हैं, बताते हैं मैंने तेरे लिए व्रत उपवास तप किए हैं, क्योंकि तपस्वी हिसाब रखता है। साध संगत शरण में सेवक कहता है, मैंने इतने समय से सेवा की, इतनी सेवा की, इतना सिमरन ध्यान किया। सेवक और साधक हिसाब रखता है कि मैंने तेरी याद में इतने उपवास किए, इतनी पूजा की, मालाएं फेरी, 2 करोड़ 5 करोड़ मंत्र जपे। लेकिन प्यारों, यह हिसाब तो अहंकार का है। सेवा की, बंदगी की, या कि मंत्र जपा, यह सब अहंकार के खाते बही का ही संसार है। दावेदारी कुछ भी हो, मलिन अहंकार के अलावा और कोई दावेदारी ही नहीं है। दुनिया में सतगुरु भक्ति प्रेम की राह में गुरु भगत का भाव और प्रेम कुछ अलग और न्यारा है। गुरु भगत हिसाब किताब नहीं रखता, भगत विरह दर्द से बस पुकार ही करता है, अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। ऐ मेरे सतगुरा, बख्श दो मुझे, माफ कर दो मुझे, मेरे अवगुण बख्श। मैं बड़ा मैला गंदला हूँ, मुझे अपने भारी अवगुणों का पता है, जानता हूँ अपने अवगुणों को, और उन अवगुणों को मिटाने इतने आसरे और इतनी बाहर मुखी राहें पकड़ी, उन अवगुणों को मैं न मिटा पाया। वह भी जानता हूँ ऐ सच्चे पाशाह, मैं उन्हें मिटा भी नहीं पाऊंगा। हे गरीबन बास, मैं अपने अवगुणों की चादर को कैसे धोऊं? इस मैली चादर को धो नहीं पाऊंगा, बस केवल तेरे श्री चरण कमलों में बैठ मैं अपने अवगुणों की चादर को संवार सकता हूँ। मालूम है मुझे तेरी मेहर के बिना यह न धुलेगी। मैं यह भी नहीं कहूँगा कि धो दे, निर्मल कर दे, और कहूँ भी किस जुबा से कि मैं गुणी हूँ या सेवक हूँ या हिसाब किताब रखूँ कि तेरी बंदगी चाकरी कर ली, सेवा कर लिए। इसलिए हे कृपा निधान, तू अपना हाथ मेहर वाला बढ़ा, मुझसे कुछ भी नहीं बन सकेगा ऐ मेरे सतगुरा। जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज, मैं पूत हूँ कपूत हूँ, बुरा हूँ भला हूँ, चंगा हूँ भारी मैला हूँ। ऐ परम पिता, लाजपत तो आप ही ने रखनी है, आप ही रख सकते हो, क्योंकि आपके सिवा इस जहां में रूह की लाज कोई नहीं रख सकता। आप ही विरदवान हो, आप कृपा करो, दया करो, दया का द्वार खोलो, दया का द्वार खोलो, बख्शो 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 गरीब नवाज। मैं मैली चादर ओढ़ तेरे श्री चरणों में आया हूँ, मुझे अपने श्री चरणों में बिठा, मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, बस यही आस तेरे श्री चरणों में सांस सांस कर रहा हूँ, मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ। यही भाव सतगुरु भगत के हैं। ऐ रब के अंश, हमें भी यही भाव हृदय में रखने हैं, और इस रूहानी राह में गुरुमुख जन को सेवा बंदगी में, सेवक जनों को सिमरन ध्यान में बढ़ते हुए प्रभु सतगुरु की आज्ञा एवं प्रेम के पुख्ते भाव रखने हैं। इसी से रूह को पार ब्रह्म की मंजिल सहज मिल पाती है। मनमति में डूबा बंदा शिकायती भाव रखता है, क्योंकि शिकायत के पीछे अहम का भाव चलता है, जैसे तुम्हारे पीछे छाया चलती है। प्यारे, दीनता की राह में चलना है, अहंकार की राह में नहीं। अहंकारी कहता है, देखो मैंने तेरी राह में कितने कष्ट सहे, तप किए, अभी तक तेरा मेहर का हाथ नहीं मिल रहा है। अन्यायी कुटिल मनमुख तरे जा रहे हैं, ईमानदार सच्चे डूब रहे हैं, जिन्होंने गुरु प्रसादी नाम जपा, सेवा की, साधना की, उन्हें दुख मिले, यह अन्याय हो रहा है, क्योंकि जहां अहम है
वहां शिकायत होगी, क्योंकि जो मेरी पात्रता है वह मुझे नहीं मिल रहा है। यह उदासी अहंकारी की है, मनमुखों की है, यही उसकी असफलता है। लेकिन प्यारा दर्द में डूबा भगत कहता है, अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीबन वाज, क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोही, क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोही। साईं जी, मैं किस मुख से ये विनती करूं? इस मुख से मैंने लोगों की निंदा और व्यर्थ की बातें की हैं, और कानों से मैंने लोगों की निंदा और विकारों की बातें सुनी हैं। सतगुरु जी, आपके प्रति भी मन में सौंसे पाले हैं। मेरे शरीर का रोम रोम विकारों से, अवगुणों से भरा है। इस दिल में सदा शिकायत भरी रहती है, अहम भरा रहता है कि मैंने ये किया, इतना किया, मैंने इतनी सेवा की। मैं अपने अवगुणों का हिसाब करूंगा तो मेरे पास कोई भी एक गुण नहीं। मेरे सतगुरा कृपा निधान, तू सब देखता है, जानता है, मैं ये सब जान कर भी भारी अवगुण कर रहा हूँ, अपराध कर रहा हूँ, फिर भला मैं तुझे कैसे भाऊंगा, कैसे भावाऊं तो ही, कैसे भावाऊं तो ही। पर तू तो गरीबन वाज है, तू उन पर भी अपनी प्रेम दया करुणा लिटाता है, जो अवगुणी हैं, द्रोही हैं, मनमुख हैं, निंदक हैं, जो मैले हैं, पापी हैं, तू उन पर भी दया मेहर अपार करता है। यह सब हमने देखा है, तू सब पर मेहर करता है, तू तो केवल दया ही करता है, करुणा ही बरसाता है। तेरी परमेश्वरी करुणा, तेरा विरद, तेरा कुर्ब, तेरा प्रेम गहरा मंझा अगाध ही अगाध है, अनंत कुर्ब है जीवों पर। प्यारे सतगुरु, मैं तेरी उसी अगाध करुणा कुर्ब को पुकार रहा हूँ। अपनी पात्रता को पात्रता का हवाला नहीं दे रहा हूँ। मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि तू देख मेरे साथ न्याय अन्याय हो रहा है। जानता हूँ मुझे जो कुछ भी मिलेगा तेरे रहम साए मेहर पावन करुणा तेरे चरणों से ही मिलेगा। मेरी कोई पात्रता नहीं है और न ही इस पात्रता के कारण मुझे कुछ मिलेगा। इसलिए विनती कर रहा हूँ, क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोही, तुम देखत अवगुण करूं, कैसे भावों तोई। ऐ मेरे सतगुरा, मुझ निमाणे भगत की विनय पुकार अर्जी कबूल कर। मैं अंधुला खिन खिन भटकूं, कर गुनाह में मैला होता, तू मेहरबाना मेहर करो अब, मैं नित नित गंदला होता। मैं ना ही बंदगी करता, सेवा न मैं कमाता, ना अंतर कोई चाह तुम्हारी, नित नित विषय में भोगा करता। कुछ न जानू एक टिक निहारू, निर्मल रूप मेरे घट में विराजो, निशदिन विनती खिन खिन करता, कब तू सुने ऐ माधव जियो, कब तू सुने ऐ माधव जियो, दास ईश्वर करे पुकारा, साहिब ओ हरे माधव प्यारा, दास ईश्वर करे पुकारा, साहिब ओ हरे माधव प्यारा। मैं अंधला खिन खिन भटकूं, कर गुनाह में मैला होता, तू मेहरबाना मेहर करो, साहिब ओ हरे माधव प्यारा, तू मेहरबाना मेहर करो, तू मेहरबाना मेहर करो। मैं अंधला हूँ खिन खिन, हर क्षण मन के संग भटकने की आदत हो गई है, मैं गुनाहों का अंबार इकट्ठा किए बैठा हूँ, मेरा अंतर मन बिछोना गुनाहों से मैला हो गया है। तू मेहरबान मेहर कर, अगर तेरी मेहर रहनुमाई और सरपरस्ती का साया न मिला तो मैं गंदला होता ही जाऊंगा, क्योंकि मैं न बंदगी और न ही सेवा कमाता हूँ, न सिमरन करता हूँ। मेरे अंतर में सच्चा प्रेम, निह श्रद्धा, तेरे पावन चरण कमलों का अनुराग और तेरे नाम की बंदगी चाहने कहाँ है। तू ओट बख्श मेरे प्यारे, मेहर का हाथ बढ़ा, मैं खिन खिन विकारी सुखों को कमाता हूँ, तू मेहर दया का हाथ धर कि मैं खिन खिन चरण कमलों का रस पीऊं। मेरे दिल का माहौल मैला भारी है,
इसके अलावा मेरे पास और है भी क्या? कहाँ है पात्रता? कहाँ तुझसे कुछ छिपा है जो मैं तेरे द्वार पर दावा ले आया हूँ? तू मेहरबाना मेहर करो, अब मैं नित नित गंदला होता। हे मेहरबान मालिक, मेरे किए कुछ नहीं होना, तू अपनी मेहर वाला हाथ बढ़ा। अगर मैं यह कहता हूँ कि मैं इसके योग्य हूँ, तो मैं तो इसके योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि तू तो बड़ा महान है, गरीबन वाज है, तू तो निवाजने वाली कलाओं को जानता है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता गरीबन वाज, कुछ न जानू एक टिक निहारू, निर्मल रूप मेरे घट में विराजो, बस एक टिक निहारता हूँ, दिल में प्रेम आँखों में आंसू लिए कि मेरे घट में प्रकट होकर विराजो। निस दिन विनती करता हूँ, बार बार इल्तजा करता हूँ, शिकायत नहीं केवल विनती अरदास पुकार। कब तू सुने ऐ माधव जियो, कब सुनोगे मेरे माधव जी, कब सुनोगे, कब सुनोगे मेरे माधव जी, कब सुनोगे? अवगुण किए तो बहु किए, करत न मानी हार, भावे बंदा बख्शिए, भावे गर्दन मार। साहिब तुम जन बीसरो, लाख लोग लग जाही, हमसे तुमरे बहुत हैं, तुम सम हमरे नाही, हमसे तुमरे बहुत हैं, तुम सम हमरे नाही। गुरु महाराज जी, मैंने अवगुण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, अवगुणों के टीले भारी बड़े किए हैं, और बड़े गुमान अहंकार से मेरी यह गर्दन रावण के जैसे अकड़ी रहती है। और मैंने तेरे वचनों की भी कद्र न की, अवगुणों को कमा के मैंने अपनी जीत समझी, हार न मानी। अवगुण किए तो बहु किए, करत न मानी हार, भावे बंदा बख्शिए, भावे गर्दन मार। ए मेरे हरे माधव गुरुवर, तुम मुझे बख्शो, बख्शनहार बख्शो, चाहे मेरी गर्दन पर मार कर, चाहे तुम मुझे प्यार से बख्श, चाहे मुझे ताड़ कर सवार। ए मेरे प्यारे, मेरे अहम की गर्दन को चाहे मार कर सवार, चाहे बख्श कर सवार, बस मुझे तू सवार, बस मुझे तू सवार। तेरे श्री चरणों में मैं पड़ा रहूं, क्योंकि कोई चारा नहीं है मेरा तुम्हारे सिवा। सच कहता हूँ, कोई चारा नहीं है, मैं हारा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें विसार कर देखा तो पूरी रचना मेरी वैरी बन गई है। जिन्हें मैं अपना कहता था, वे ही लोग बिगाड़ने में लगे हैं। ऐ साहिब, भले मैं तुझे विसार दूं, पर तू न विसारना। ऐ साहिब, भले मैं तुझे विसार दूं, पर तू न विसारना। जे तू मुझे विसारेगा तो लाख लोग लग जाही। साहिब तुम जन विसरो, लाख लोग लग जाही, हमसे तुमरे बहुत हैं, तुम सम हमरे नाही। हमारा एक आसरा तुम हो, और तुम्हारे समान इस रचना में कुर्बदार करुणावान और कोई नहीं। हमसे तुमरे बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा विरदवान करुणा निदान हमारे पास कोई नहीं है। ऐ मेरे साहेब, मैं तुम्हें विसारूं, पर तू न विसार, पर तू न विसार। सच्चा प्रेमी भगत बलिहार, बलिहार के भाव श्री चरणों में प्रकट कर क्या अर्ज विनय कर रहा है? आइए सत्संग की अगली तुक में श्रवण करें। जी आगे। कर जोरे विनती करूं, भव सागर अपार, बंदा ऊपर मेहर कर, आवा गमन निवार, अंतर जामी एक तुम, आत्म की आधार, जो तुम छोड़ो हाथ पे कौन उतारे पार, भक्ति दान
कछु चाही। निस दिन तेरी सेव कबीर करते हैं मेनती। सुनो संत चित लाए मार्ग सिरजन हारिका। दीजे मोहि बताए मार्ग सिरजन हारिका। दीजे मोहि बताए। गुरु भगत की विनती है कि यह भवसागर तो भारी गहरा अपार है। ऐ मेरे सतगुरु तू अथाह अनंता है। ऐसे अपार सागर से हमें पार पहुंचा सकता है। कर जोरे विनती करूं भव सागर अपार बंदा ऊपर मेहर कर आवागमन निवार। प्यारे सत्संगियों विरह पुकार हमारे प्रेम को दृढ़ पुख्ता करती है गहरी तीव्रता देती है। विरह विरह की वेदना उसका असहाय दर्द सहते हुए भी सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम महबूब को पल भर के लिए कहाँ विसारता है। वह घबराकर प्रेम को नहीं छोड़ता तानों की परवाह नहीं करता। प्रेमी भगत हर प्रकार के तानों बानों कष्टों को अपने प्यारल का आशीर्वाद वरदान ही मानता है। जो कुछ भी हो रहा है प्रभु तेरी मौज तेरे भाणे से हो रहा है मेरी कहाँ गिनती है। हे प्रभु मैं अबोझ गुनाहों से भरा बोझ से दबा हूँ। सात संगत जी जो इसी प्रकार अपनी वर्तन कर लेता है वह सहज अवस्था को सहज ही पाता है और यह अवस्था सतगुरु की बंदगी प्रेम अजीजी और इतनी मौज में लीन रहकर जो यह देह नगरी है उसके अंदर जो भक्ति प्रेम में डूबकर रूह अमरता का सुख पाती है वही पा सकती है। कबीर सुर्ग नरक ते मैं रहियो सतगुरु के प्रसादी चरण कमल की मौज माही रहूं अंत और आदि। गुरु भगत इसी मौज में रंग जाता है कि हे सतगुरु दयाल मुझ कुपात्र को चाहे नरकों में भेज चाहे स्वर्गों में। प्यारे गुरुवर इस कुपात्र भगत के दिल अंदर तेरे मीठे नाम का प्रसाद और तेरे प्रेम विरह का घाव तो लग ही रहेगा क्योंकि गुड़ फिर जहां भी रखेंगे मीठा तो होगा ही। तेरे चरण कमलों की मौज से मुझे तेरे चरण कमलों की मिठास का सुख भा गया है। तेरी शरण में मेरे मैले कर्म कट गए अहम का अंत हो गया। ऐ प्यारल तेरे चरण कमलों की छाव में वासनाएं एवं तृष्णाएं खाक हो गईं क्योंकि तेरी शरण तेरा विरही प्रेम ऐ गुरुवर मैंने रस पान कर लिया। तेरे चरण कमलों के प्रेम के अलौकिक दिव्य नशे में मैं अब मग्न हूँ। अब तो मेरी कामना और कर्मों के जाल बाकी ही न रहे जो मुझे इस संसार में वापस खींच सके। सदगुरु साई नारायण शाह साहेब जी प्यारे वचन सदगुरु प्रेम के विषय में अक्सर उठाते ऐ भगत गुरमुख जन जिस तरह कुम्हार घड़े को पकाता है घड़ा जब पक गया तो वह दोबारा उसे फीते चाक पर नहीं चढ़ाता। उसी प्रकार जिस गुरु भगत ने सतगुरु प्रेम में मगन हो पूर्णता पाली फिर वे कहां जन्म मरण में भटकेंगे। आप गुरु साहिबान जी कहते हैं कि सेवक गुरुमुख को प्यारे गुरुवर की इच्छा पर छोड़ देने के भाव को भाणा कहा सच्ची शरण कहा कि जैसा तू राखे मुझे कबूल है मैं तो गुनहगार हूँ अगर तू रख लेगा तो तेरी करुणा है मेरी कहां कोई औकात मेरा कोई कमाया न तप है न सेवा न चाकरी ही है तू जैसा राखे। यह भक्ति भाणे का नशा है यह एक ऐसा नशा है जो भगत अपने अंतर में अनुभव करता है लेकिन कह नहीं सकता वह लाभ बयान है।
गुरु की प्यारी संगतों, निर्मल हरिराया रूप प्रत्यक्ष सतगुरु शिष्य रूपी रूहों को जब पार ब्रह्म यानी अपने निज घर बुलाना चाहता है तो ऐसी रूहों के अंतर निष्काम प्रेम विरह दर्द विछोड़े का घाव बख्श देता है। हर पल वह रूह छटपटाती और पुकार ही पुकार कर उठती है। सच्चा प्रेमी अपनी असहाय अवस्था की पुकार करता है, अंतर्जामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ फिर कौन उतारे पार, कौन उतारे पार। ऐ मेरे सच्चे मालिक, हर एक आत्मा की तुझे खबर है कि मन के संग साथ तेरे इस अंश आत्म की क्या दशा है। पहले तो मैं पुकार करता ही रहता, जब तेरी हुजूरी में आता हूँ तो कुछ बोल ही नहीं पाता, बस इतना ही, अंतर्यामी एक तुम, अंतर्यामी एक तुम। ऐ मेरे गुरुवर, तो हमारी दशा जानते हो ना, हम सभी के एक तुम ही आधार हो, अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार। तू जो हमारा हाथ छोड़ दे तो हम पार कहाँ उतर सकते हैं, क्योंकि हमारी जीवन रूपी नाव झूठी दुनियावी चीजों के मद कारण भारी हो गई है, और वह नाव तो डूब ही जाती है जो नाव भारी पत्थरों चट्टानों से भरी हो, वह भसागर में गर्त हो जाती है। इसलिए तेरे सिवा और कोई खेवनहार नहीं है मेरे सतगुरा, अगर तेरा हाथ छूट गया तो हम पार नहीं उतर सकते। कृपा निधान कृपा करो, हे गुरु महाराज, मुझे अपनी चरण कमलों की भक्ति का बल बख्शो, सतगुरु भक्ति का दान देवो बाबल, और कुछ नहीं बस तेरे श्री चरणों की भक्ति, बस तेरे श्री चरणों की भक्ति। भक्ति दान मोह दीजिए गुरु देवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तेरी सेव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तेरी सेव। तू अपनी बंदगी प्रीत की सेवा बख्श, क्योंकि जुगनू तो सूरज के आगे खड़े ही नहीं हो सकते, जुगनू की रोशनी की क्या औकात। गुरुवर, तुम सूरज हो, हम जुगनू हैं, हम पर दया करो, हमें उस सृजनहार का पथ बताओ। ऐ प्रभु के रूप संत जनों, हमारी बात को जरा चित में रख लो, कबीर करत है वेनती सुनो संत चित लाए, मार्ग सृजनहार का दीजिए मोह बताए। सच्चे पातशाह जी, मेरी अर्ज कबूल कर, मुझे अपने साचे पथ पर बाह पकड़ कर ले चल, तू अपने करुणा विरद से हम मैले बंदों पर अपनी पाक निगाह कर, हाथ जोड़ दामन फैला तुझसे भीख मांगते हैं, अपनी चरण शाओ बख्श, हमारा हाल तुझे पता है, मन का संग कर हम भटक जाते हैं, तू सब दिलों का जाननहार है, तू सब दिलों का जाननहार है, कृपा करो कृपा करो, हमें अपने श्री चरणों की पावन भक्ति बख्शो। गुरु महाराज जी, मेरे कर्मों की कोई नेक कमाई नहीं जिसका वास्ता मैं आपको दे सकूं, ना ही मेरे अंदर कोई चंगा गुण है कि आपको रिझा सकूं, बस आप जी की बेहिसाब करुणा मेहर की महिमा सुन आपके द्वार पर आपके श्री चरणों में यह विनती ले आया हूँ। साईं जी, मन माया का संग कर मेरी रूह आत्म भारी दुखों से घिरी है, आप जी के सिवा हमारे दुख की घड़ियों का सहारा आखिर कौन है, अब दया करो मेरे सतगुरा, इन मन माया के फुरणों से मुहे उबार लीजिए, इन मन माया के फुरणों से मुहे उबार लीजिए, हमारे जीवन में जो भारी दुख हैं उनको काफूर करने की याचना लेकर आपसे पावन भक्ति की दात लेने आया हूँ, यही अरदास है मेरी, यह आस अंदर में आ मुंजी, दे भक्ति सतगुर पहेंजे चरणन जी, दे भक्ति सतगुर पहेंजे चरणन जी, चरणन में तुंजे अथम बाडायो
फुरणन खा साई जिंद छडायो जीअण कला छा आहे सिखारियो जीअण कला छा आहे सिखारियो दे भक्ति सतगुर पंहिंजे चरणन जी दे भक्ति सतगुर पंहिंजे चरणन जी यही आस है हम दासों की भक्ति दान दीजिए भक्ति दान दीजिए आपकी कृपा की आस ले आए हैं गुरु महाराज जी मेहर करें आप ही तो सच्चे पूर्ण रहबर हैं सच्ची दरगाही राह आपने ही दिखानी है जीवन जीने की साची कला बख्शो दया करो मेरे सतगुरां हमारे कर्मों की कोई नेक कमाई नहीं बस अपने श्री चरणों की पावन भक्ति का दान बख्शो मेरी बाह पकड़ ले सतगुरु कहीं जग माया के इस दरिया में बह न जाए अपनी भक्ति का दान बख्शो सतगुरु कहीं जग माया के इस दरिया में बह न जाए दया करो सतगुरु जी मेहर करो मेरे माधव जी कबीर करते हैं सुनो संत चित लाए मार्ग सृजन हार का दीजे मोहि बताए मार्ग सृजन हार का दीजे मोहि बताए सूरत करो मेरे साईया सूरत करो मेरे साईया हरि राया सतगुरु से प्रेम प्रीत का बंधन एको सूत्र हमारी आत्मा को जगत के फना बंधनों से मुक्त कर देता है साथ संगत जी आगामी रविवार 22 अगस्त को शाम 7 बजे यूट्यूब के हरि माधव ऑफिशियल चैनल पर रक्षाबंधन का पावन पर्व एको सूत्र प्रसारित किया जाएगा साथ संगत जी ऑफिशियल चैनल से जुड़कर सतगुरु चरणों में हाजिरी लगा प्रेम प्रीत का बंधन हरि राया सतगुरु से जोड़ें जी हरे माधव
भक्ति वंदन करें।
सतगुरु जी को प्रणाम, होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से, हरे माधव हरे माधव हरे माधव।